महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल, शरद पवार और अजित पवार की मुलाकात की खबर, बैठक में जयंत पाटिल भी मौजूद रहे। वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट की बैठक में दोनों को हिस्सा लेना था, लेकिन शरद पवार के करीबी अतुल के घर हुई अजीत और शरद पवार की गुप्त मुलाकात। पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा, सागर के बड़तुमा में संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। पीएम ने कहा संत रविदास मंदिर दिव्य और भव्य होगा, सागर में संत रविदास मंदिर 100 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। सागर में पीएम मोदी ने शिवराज सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, कहा हमने आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल खोले, गरीबों के कल्याण पर किया काम। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा पिछली सरकार ने गरीबों तक पानी भी नहीं पहुंचाया, वो सिर्फ चुनावी मौसम में लेते थे जनता का हाथ। सांसदी बहाल होने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। वायनाड में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा पर बात की, कहा ऐसा लग रहा है जैसे मणिपुर पर किसी ने केरोसिन छिड़क कर आग लगा दी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा संसद में उनके लिए मणिपुर मजाक का विषय था, पीएम मोदी और उनके सांसद हंस रहे थे। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा बीजेपी परिवारों को तोड़ रही है, भारत एक परिवार है जिसे बीजेपी बांटना चाहती है। इसी साल सितंबर में राहुल गांधी विदेश दौरे पर भी जाएंगे, यूरोपीय देश की यात्रा करेंगे राहुल। अधीर रंजन चौधरी ने कहा सदन में पीएम ने 2 घंटे बाद भी मणिपुर पर कुछ नहीं बोला, आखिर के 3 मिनट बोला, सिर्फ सबसे लंबे भाषण का रिकॉर्ड बनाना चाहते थे पीएम। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी लोकसभा से निलंबन के बाद उनको कोर्ट में चुनौती देंगे। अधीर रंजन चौधरी कहा पहले मुझे फांसी हुई, अब मुझ पर मुकदमा चलेगा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने अधीर रंजन के आरोपों को बेबुनियाद बताया, कहा विपक्ष को अपनी बात कहनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी के पंचायती राज परिषद कार्यक्रम में पीएम मोदी ऑनलाइन हुए शामिल, बीजेपी कार्यकर्ताओं से किया संवाद। हावड़ा के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना, हमने अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष को हराया ये कहा है। पीएम मोदी ने कहा विपक्ष के ने मणिपुर के लोगों के साथ विश्वासघात किया, वोटिंग से पहले ही भाग गया विपक्ष। प्रियंका गांधी के कमीशन वाली ट्वीट पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा, कहा फर्जी चिट्ठी के दम पर शिवराज सरकार को बदनाम करने की साजिश। प्रियंका गांधी ने कल एक चिट्ठी ट्विटर पर शेयर की थी जिसमें सरकार पर कमीशन लेने का आरोप लगाया है। प्रियंका गांधी के ट्वीट पर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का बीजेपी पर पलटवार, कहा यह जो चिट्ठी है वो सच्चाई है, हम सारे कांग्रेसियों पर FIR कीजिए। प्रियंका गांधी के ट्वीट को लेकर राजनीतिक घमासान, कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा किन किन पर केस करेगी बीजेपी, ऐसे हजारों मामले। संसद में दोनों सदनों के पास होने के बाद राष्ट्रपति ने भी दिल्ली सर्विस बिल को मंजूरी दी, 19 मई को पारित हुआ था अध्यादेश, अब कानून बन गया है। यूपी के गोरखपुर में 31 एकड़ जमीन पर बनने वाले इथेनॉल प्लांट का सीएम योगी ने शिलान्यास किया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता में की बैठक, कहा विधानसभा चुनाव के बाद ममता सरकार ने बंगाल में तांडव मचाया। न्यूज क्लिक का ट्विटर अकाउंट हुआ सस्पेंड, न्यूज क्लिक पर चीन से फंडिंग और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में निकाली गई तिरंगा रैली, मेरी माटी मेरा देश थीम पर निकाली गई है ये तिरंगा रैली। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर बेस पर MiG-21 की जगह MiG-29 को किया गया तैनात, सीमा पर सतर्कता के साथ वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। स्वतंत्रता दिवस के चलते जम्मू कश्मीर के ने सख्त पहरा बढ़ा दिया गया, जम्मू कश्मीर में पुंछ में सेना ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी। अमृतसर में 28 पाकिस्तानी हिंदुओं को वाघा अटारी बॉर्डर पर रोका गया, वीजा से अधिक समय तक रहने पर प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई। जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी ने भड़काऊ बयान दिया, कहा इस मुल्क में मुसलमानों को सोशल जस्टिस नहीं मिला। गुजरात के पोरबंदर में मौलाना ने किया राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का अपमान, वीडियो वायरल, जांच अब जारी है। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में संदिग्ध इस्लामिक गतिविधियों का भंडाफोड़, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए छात्रों को जोड़ने का आरोप। पटना में बीच सड़क पर चाकू कूद कर नर्स की हत्या, सड़क पर नर्स से हुआ था आरोपी का झगड़ा। यूपी के मेरठ में स्पोर्ट्स कारोबारी DK जैन और पत्नी की हत्या का खुलासा, LLB स्टूडेंट और उसके साथी ने वेब सीरीज देखकर की थी हत्या। अतीक अहमद के बेटे अली के खिलाफ प्रयागराज के करेली थाना में दर्ज हुआ नया केस, जेल में बैठकर रंगदारी वसूलने का आरोप है। यूपी के बस्ती में दलित छात्र की पिटाई के बाद हंगामा, भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने DM ऑफिस पर प्रोटेस्ट किया।
पंजाब के तरन तारण में नशा तस्करों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई। तस्कर जोरा सिंह की मौत हो गई। एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मूंग की खरीद में घोटाले से मचा हड़कंप। 6 करोड़ की मूंग खा गए भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी। FIR दर्ज। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पब्लिक टॉयलेट में लगाए गए औरंगजेब के पोस्टर। मामले की जांच जारी। 7 दिन की NIA हिरासत में भेजा गया शमी नाचन। 2022 से आतंकी गतिविधियों में सक्रिय होने का आरोप है। जैसलमेर में BSF जवानों से भरी बस पलटी। हादसे में एक जवान की मौत, दर्जनों घायल। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश के चलते ब्यास नदी में उफान। शहर के सीने पर सैलाब का है कब्जा। मंडी में देखा कुदरत का रौद्र रूप। धाची वैली के गहरू नाले में भरभराकर पत्थर गिरते दिखे। शिमला में बारिश का कहर जारी। आने वाले दिनों में बढ़ सकती है मुश्किलें। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। शिमला में बारिश का कहर। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने उनके सरकारी आवास पर एक पेड़ दिया। चंडीगढ़ शिमला हाईवे चक्की मोड़ पर लैंडस्लाइड से फिर रास्ता बंद हो गया। वैकल्पिक मार्ग से गाड़ियां अब निकल रही हैं। बिहार के हाजीपुर में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट। SDRF की टीम लगातार कर रही है मॉनिटरिंग। बिहार में लगातार बारिश से बढ़ रहा है बाढ़ का खतरा। गंगा, बागमती, कोसी समेत प्रमुख नदियां खतरे के निशान के पार। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बाढ़ को लेकर चेतावनी जारी की है। बाढ़ को लेकर सुरक्षा उपायों को लेकर भी जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश के उदयपुरा में तेंदोनी नदी में नहाने गए एक बच्चे समेत 2 युवक डूब गए। SDRF ने सर्च ऑपरेशन किया। 3 शवों को बाद में बरामद कर लिया गया।